हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रतिभा। प्रतिभा के चैनल मन भावन रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही चटपटी हरी चटनी की रेसिपी, जिसके बिना कोई भी स्नैक्स हो या फिर चाट, दही पूरी, सब कुछ अधूरा सा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें हरी धनिया डालेंगे। धनिया को हम धुल लिए हैं और डंठल के साथ डालेंगे। इससे हमारी चटनी का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे धनिया हम डाल चुके हैं। अब हम इसमें दो हरी मिर्च डालेंगे। आप जितना तीखा खाते हो उसी हिसाब से डालें। एक टुकड़ा अदरक का डालेंगे। इस चटनी को बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम जिस भी रेसिपी के साथ यूज करेंगे उसके स्वाद को दोगुना कर देगी। यहाँ पे 9 से 10 लहसुन के पीसेस डालेंगे। अगर आप लहसुन ना खाते हो तो स्किप करें, इसके बगैर भी ये चटनी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। आधा नींबू का रस डालेंगे। इससे हमारी चटनी का फ्लेवर एक तो बहुत बढ़िया आएगा, ऊपर से हमारी चटनी काली नहीं पड़ेगी। तो एक बार इसे यूज करके आप ज़रूर देखें। अगर नींबू का रस ना डालना चाहे तो यहाँ पे एक चम्मच अब अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, बिना छिलके वाला। यहाँ पे अब हम 2 चम्मच चना डालेंगे। ये रोस्टेड चना है, बाजार में आसानी से हर जगह मिल जाता है। चना डालने से हमारी चटनी एक तो गाढ़ी बनेगी, ऊपर से कलर भी इसका बहुत सुंदर आएगा। नमक अपने स्वादानुसार। थोड़ा सा पानी डालेंगे। बाद में ग्राइंड करने के बाद अगर जरूरत महसूस होगी तो थोड़ा सा हम और डाल लेंगे। अब हम कैप को बंद करेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे बढ़िया से। चटनी में पानी आप अपने पसंद के अनुसार डाल लें। आपको जितना गाढ़ा पतला चटनी को रखना हो उसी हिसाब से डाल लें। तो यहाँ पे हम चटनी को ग्राइंड कर लिए। हम पास से आपको दिखाते हैं, देखिए कितनी बढ़िया हमारी चटनी बनी है। आप चाहे तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं किसी स्टील के टिफिन में और फ्रिज में रख दें। ये आराम से 3 से 4 दिन तक चलेगी। तो इसे एक बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। एक बार हरे धनिया की ये चटनी आप जरूर ट्राई करें, आपको जरूर पसंद आएगी। हरी चटनी बनके हमारी तैयार है। आप इस चटनी को समोसा, चाट, दही वड़ा, दही पूरी, कई रेसिपी में यूज कर सकते हैं। और ट्राई करने पे ये हरी चटनी की रेसिपी अगर आपको हमेशा की तरह पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।